स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो को सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 4 सैम ऑप्टिक्स 2 यूनिट 1 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम लीनियरली पोलराइज लाइट भी बोलते हैं, या फिर सर्कुलरली पोलराइज लाइट या फिर इलिप्टिकली पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करवानी है, तो इसके लिए आपको दो ऑप्टिकल डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। एक होगा निकोल प्रिज्म, एक होगा कैल्साइट क्रिस्टल। इन दोनों डिवाइसेस को यूज करके हम प्लेन पोलराइज लाइट भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, सर्कुलरली पोलराइज लाइट भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलिप्टिकली पोलराइज लाइट ऑल्सो। देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी ऑर्डनरी लाइट को, जो कि अनपोलराइज लाइट होती है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है, उसको अगर हम निकोल प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो मैंने आपको निकोल प्रिज्म वाले टॉपिक में अच्छे से बताया था कि निकोल प्रिज्म कैसे वर्क करता है और वो क्या काम करता है। तो जैसे ही आप मोनोक्रोमेटिक ऑर्डनरी अनपोलराइज लाइट निकोल प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाएंगे, तो वहां पर डबल रिफ्रैक्शन हो जाएगा और आपको दो दो वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगी। एक होंगी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, एक होंगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मींस आपको दो दो वेव्स देखने को मिलेंगी, एक होंगी ई वेव्स, एक होंगी ओ वेव्स। स्टूडेंट्स, निकोल प्रिज्म इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो ओ रेज को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ओ रेज को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ ई वाइब्रेशंस को, सिर्फ उन्हीं वाइब्रेशंस को जो कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर होती है, सिर्फ उन्हीं को उसमें से पास होने देता है। तो मतलब निकोल प्रिज्म के बाद आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है, वो भी इन द प्लेन ऑफ पेपर। मींस सिर्फ आपको ई वेव्स देखने को मिलती हैं निकोल प्रिज्म के बाद में। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको ई वाइब्रेशंस मिल गई, ई वेव्स मिल गई निकोल प्रिज्म के द्वारा। उसके आगे आप कैल्साइट क्रिस्टल लगा देंगे। कैल्साइट क्रिस्टल ऐसे लगाएंगे कि जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस होगी उसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल होगी। आप इस तरह आप कैल्साइट क्रिस्टल को रखेंगे आगे, और वो जो ई वेव्स हमें मिली है, मींस जो प्लेन पोलराइज लाइट हमें मिली है, उस कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर उसको हम नॉर्मली फॉल करवाएंगे, और जो ई वाइब्रेशंस होंगी वो थीटा एंगल पर ऑप्टिक एक्सिस ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेंगी। उसके बाद क्या होगा वो आज हम समझेंगे और देखेंगे कैसे आप कैल्साइट के उस साइड, मतलब कि राइट हैंड साइड में, कैसे आप कैल्साइट क्रिस्टल के द्वारा और निकोल प्रिज्म की हेल्प से प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, सर्कुलरली पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करवा सकते हैं और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स हम, उसको देख के, उसको यूज करके हम डिफरेंट कंडीशंस लेंगे, जिसके कारण आपको तीन प्रकार की लाइट्स देखने को मिलेंगी। या तो वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी, या फिर वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगी, या फिर वो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगी। तो तीन ही केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं और डायग्राम के थ्रू समझते हैं पहले कि आपको इस टॉपिक में लिख के क्या आना है और ये कैसे पूरा सिस्टम इसमें वर्क करेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस टॉपिक के डायग्राम को अच्छे से समझ लिया, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप इसके टॉपिक के थ्योरी में क्या लिख के आएंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो बहुत सिंपल है, इसका बहुत सिंपल इक्वेशन निकल के आएगी, जिसको हम यूज करेंगे थ्री डिफरेंट केसेस के अंदर। तो डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार, तो आपको पूरी वर्किंग, पूरी इसकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी इस टॉपिक की। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या यूज किया है, एक निकोल प्रिज्म यूज किया है। निकोल प्रिज्म वाला टॉपिक आप पूरा देखकर ही इस वीडियो में आइएगा, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। निकोल प्रिज्म वाले टॉपिक की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी वर्किंग आप जरूर पढ़िए, वो मैं आप डाल चुका हूं वीडियो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये है निकोल प्रिज्म, ये क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, इसकी पूरी डिटेल्स मैंने निकोल प्रिज्म वाले वीडियो में एक्सप्लेन की थी। तो स्टूडेंट्स, निकोल प्रिज्म रखा हमने, पहले इतना समझते हैं हमने यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमने अनपोलराइज लाइट फॉल करवाई है, जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। ये जो अनपोलराइज लाइट होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का ये मेथड होता है, एक एरो और एक डॉट की हेल्प से हम अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अनपोलराइज लाइट क्या होती है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अनपोलराइज लाइट वो लाइट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन जो होती है वो ऑल डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट को आपने निकोल प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाया, जैसे ही निकोल प्रिज्म में एंटर होगी, इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर इसका अनपोलराइज लाइट जो है उसका डबल रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मींस ये दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी, एक होंगे ई कंपोनेंट्स, एक होंगे ओ कंपोनेंट्स। जो ई कंपोनेंट है वो इस, ये जो बीच में आप ये चीज देख रहे हैं, ये कनाडा बालसम की लेयर है,
ई कंपोनेंट जो होते हैं वो इस कनाडा बालसम लेयर से ट्रांसमिट होते हुए बाहर निकल जाते हैं, और जो ओ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, वो इस कनाडा बालसम लेयर के द्वारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पर हमने एक लैम्प ब्लैक नाम के मटेरियल कोटिंग की होती है जो इन ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्टूडेंट्स बस आपने यही ध्यान रखना है कि आपको निकोल प्रिज्म के बाहर मींस निकोल प्रिज्म के राइट हैंड साइड में सिर्फ ई कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, मींस वही वाइब्रेशंस दिखाई देंगी जो कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर होंगी, मींस आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखने को मिलेगी निकोल प्रिज्म के द्वारा। निकोल प्रिज्म जो होता है इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई। उसके बाद ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो इस लाइन से शो हो रही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस। ये जो हमने आगे क्या लगाना है, एक कैल्साइट क्रिस्टल लगाना है और कैल्साइट क्रिस्टल को आपने इस तरह कट करना है कि जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस होगी उसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल होगी। मान लीजिए ये है आपका कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है, इसको हमने ऐसे कट किया है कि जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल है। अब देखिए स्टूडेंट, जी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो आपको इस लाइन से शो हो रही है। तो आपको कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर जो आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, बट जो वाइब्रेशंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैल्साइट क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस से कुछ एंगल पर इंसिडेंट होंगे और वो एंगल होगा थीटा। देखिए स्टूडेंट वाइब्रेशंस ऐसी हैं, मान लीजिए तो वाइब्रेशंस जो है ऑप्टिक एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएंगी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस जो कुछ एंगल बनाएंगी, थीटा एंगल ये होगा और ये होगी हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के इंसिडेंस की डायरेक्शन जो कि नॉर्मली होगी कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा वो कैल्साइट क्रिस्टल, उसका हमने सामने वाला पोर्शन मैंने आपको सामने शो कर दिया है। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये सारी की सारी ऑप्टिक एक्सिस को बता रही हैं। ऑप्टिक एक्सिस क्या होती है? ऑप्टिक एक्सिस वो डायरेक्शन होती है कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर जिसके अलोंग ओ एंड ई कंपोनेंट्स की जो स्पीड होती है वो सेम रहती है। तो जितने भी लाइंस होंगी ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल वो सारी के सारी ऑप्टिक एक्सिस का ही काम करेंगी। तो इसके अंदर जितनी भी डॉटेड लाइंस हैं ये वाली, ये सारी वो डायरेक्शन बता रही हैं जिसके अलोंग ई एंड ओ कंपोनेंट्स की स्पीड जो है वो सेम होगी। तो स्टूडेंट्स ये लाइट जो है इस कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो निकोल प्रिज्म ने प्रोड्यूस की थी कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर नॉर्मली फॉल कर रही है, बट जो ये वाइब्रेशंस हैं, जो वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर जिसको हमने पी आर से रिप्रेजेंट किया है और जिसका एम्पलीट्यूड हमने ए लिया है वो इस ऑप्टिक एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर फॉल करेंगी। तो जैसे ही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेगी उसका दोबारा से डबल रिफ्रैक्शन होगा जो मैंने आपको इस फिगर में शो किया है। यह है कैल्साइट क्रिस्टल का अपर सर्फेस पी क्यू। जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहां से आई है? ये निकोल प्रिज्म ने प्रोड्यूस करके हमें दी है। जैसे ही आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस कैल्साइट क्रिस्टल पर फॉल करेंगे तो ये दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी। ये दो कंपोनेंट जो होंगे, एक होगा ओ कंपोनेंट, एक होगा ई कंपोनेंट। ओ कंपोनेंट्स को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया और एरोज जो हैं हमने ई कंपोनेंट्स के लिए लगाए हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव क्रिस्टल्स होते हैं जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल, उसके अंदर जो ओ वेव्स होती हैं वो स्फीयर की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं और आपको जो ऑर्डिनरी वेव फ्रंट देखने को मिलता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट जो होता है नेगेटिव क्रिस्टल जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर वो इलिप्स की फॉर्म में होता है। और नेगेटिव क्रिस्टल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स की स्पीड होती है वो ओ वेव से ज्यादा होती है, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो इलिप्स होगा वो सर्कल के इस स्फीयर के बाहर होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ई कंपोनेंट की स्पीड ओ कंपोनेंट से ज्यादा है तो इलिप्स विल बी आउटर साइड ऑफ द स्फीयर। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन हो चुका है और जो ऑप्टिक एक्सिस लिए हमने इस कैल्साइट क्रिस्टल की वो पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए, ये डॉटेड लाइन जो है वो ऑप्टिक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टूडेंट जो ई वाइब्रेशंस, जो एरो वाली वाइब्रेशंस है वो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेंगी और जो हमारी ओ वाइब्रेशंस हैं वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ई वेव्स और ओ वेव्स की जो स्पीड है कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट होती है। ई वेव्स की ज्यादा होती है स्पीड, ओ वेव्स की कम होती है। तो जब ये कैल्साइट क्रिस्टल में से बाहर निकलेंगी वेव्स तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस जरूर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो फेज डिफरेंस तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, किसके बीच में? ई और ओ वेव्स के बीच में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस फॉल की थी इस कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर और ये वाइब्रेशंस जो है वो थीटा एंगल बना रही थी ऑप्टिक एक्सिस के साथ।
कि जो ए एम्पलीट्यूड है पीआर वाइब्रेशंस का, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। एक पीई पार्ट होगा जो कि होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होगा पीओ जो कि होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए, दैट कंपोनेंट विल बी वर्टिकल कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। पहले आपको थ्योरी में यही कुछ लिख के आना है जो मैंने आपको इन तीनों डायग्राम्स में एक्सप्लेन किया है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें हम ई वेव्स और ओ वेव्स को साइन वेव्स की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिक्स सिंपल फॉर्म में लगाकर एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि इस टॉपिक की जनरल इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट चलिए इस तीनों डायग्राम को थ्योरी की फॉर्म में समझते हैं कि आपको अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता तो आप थ्योरी में क्या लिखेंगे, आइए वो देखते हैं। लेट अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बी मेड टू फॉल ऑन निकोल प्रिज्म एन एज शोन इन द फिगर। हमने यहां पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कि अनपोलराइज्ड लाइट होगी जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, जिसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है अनपोलराइज्ड लाइट को एक डॉट और एक एरो की हेल्प से, उसको हमने फॉल करवाया है निकोल प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाया है, और जिसको हमने निकोल प्रिज्म को एन से डिनोट किया है। द लाइट ट्रांसमिटेड बाय निकोल प्रिज्म इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए स्टूडेंट जैसी अनपोलराइज्ड लाइट यहां फॉल करेगी इसके दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी, ओ कंपोनेंट ई कंपोनेंट। ओ कंपोनेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा इस कनाडा बालसम लेयर के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अंदर की तरफ, और लैंप ब्लैक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए यहां लैंप ब्लैक लिख ही देता हूं। ये ओ कंपोनेंट जो है इस लैंप ब्लैक के लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और जो ई कंपोनेंट्स है वो इस कनाडा बालसम के थ्रू ट्रांसमिट होते हुए यहां से बाहर निकल जाएंगे। मींस जो आपको निकोल प्रिज्म के द्वारा लाइट मिलेगी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी जिसकी वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर होंगी। तो निकोल प्रिज्म का काम क्या है यहां पर, अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना। तो ये काम हो चुका है यहां पर। उसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं। लेट दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पी विद इट्स फेस कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। ये जो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली है इसको आपने नॉर्मली फॉल करवाना है, किसके ऊपर फॉल करवाना है, एक यूनिएक्सियल। यूनिएक्सियल मींस ऐसा क्रिस्टल जिसके पास एक ही ऑप्टिक एक्सिस हो, मींस एक ही ऐसी डायरेक्शन हो, जिसके अलोंग ओ एंड ई वेव्स की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है क्योंकि यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन होने वाला है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका नेगेटिव क्रिस्टल का जो कि होता है कैल्साइट क्रिस्टल। तो हमने यहाँ पर यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग नेगेटिव क्रिस्टल लिया है जो कि कैल्साइट क्रिस्टल है, जिसको हमने पी से डिनोट किया है। और इसको हमने कट कैसे किया है, ऐसे कट किया है कि जो इसकी ऑप्टिक एक्सिस है इसके सरफेस के पैरेलल है, इस तरह हमने कट किया है इसको। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लेट द वाइब्रेशंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर इंक्लाइंड टू द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ पी एट सम एंगल थीटा। अभी जो वाइब्रेशंस हैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो इस कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर नॉर्मली फॉल हो रही है उसकी जो वाइब्रेशंस है पी आर ऑप्टिक एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आप क्या लिख के आएंगे एग्जाम में वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कि आप इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन में और क्या ऐड करके आएंगे। द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन क्रिस्टल पी स्प्लिटेड इनटू ई एंड ओ रे विच ट्रेवल अलोंग सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। जैसे ही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो निकोल प्रिज्म ने प्रोड्यूस की थी, जिसको हमने नॉर्मली फॉल करवाया था कैल्साइट क्रिस्टल पी के ऊपर, जिसकी ऑप्टिक एक्सिस ये सारी की सारी जो लाइंस आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये सारी की सारी ऑप्टिक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ऑप्टिक एक्सिस जो है वो क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल हैं। सारी की सारी ऑप्टिक एक्सिस क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट जैसे ही आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाते हैं, ये मैंने यहां पर शो किया, जैसे आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो निकोल प्रिज्म ने प्रोड्यूस किया उसको कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो ये दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी, ओ वेव्स एंड ई वेव्स। देखिए स्टूडेंट दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है इनमें, इनकी स्पीड का डिफरेंस है। जो ई कंपोनेंट्स की जो स्पीड है वो ओ कंपोनेंट से ज्यादा है, तो दोनों के अंदर स्पीड्स का डिफरेंस है। तो स्पीड का डिफरेंस होने की वजह से अगर ये जो कंपोनेंट्स हैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इस कैल्साइट क्रिस्टल से यहां से लेकर यहां तक आने में, मान लीजिए वो डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उनके अंदर कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस जरूर आएगा, क्योंकि उनके बीच में स्पीड का डिफरेंस है। स्पीड का डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा तो फेज डिफरेंस जो है वो ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना लिया हमने, डेल्टा लिया है इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में। ये ई कंपोनेंट है, ये ओ कंपोनेंट है, इनके बीच में हमने फेज डिफरेंस जो है वो डेल्टा लिया है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। After traveling a path length d in the crystal, the phase difference of delta is introduced between O and E components. D distance travel करने के बाद
इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मान लीजिए स्मॉल डी है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दोनों कंपोनेंट्स में ई कंपोनेंट में और ई ओ कंपोनेंट में कितना फेज डिफरेंस आएगा, डेल्टा फेज डिफरेंस आएगा। तो ये था स्टूडेंट इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम देखेंगे थ्योरी जो आप एग्जाम में इस टॉपिक के अंदर लिख के आएंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि आप थ्योरी में क्या लिख के आएंगे इस टॉपिक की। थ्योरी, लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस एंड ऑप्टिक एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस की थी निकोल प्रिज्म ने, निकोल प्रिज्म से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस हुई थी उसको हमने नॉर्मली फॉल करवाया एक कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर जो कि होता है यूनि एक्सियल डबली रिफ्रेक्टिंग नेगेटिव क्रिस्टल। तो जैसे ही आप इसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी वाइब्रेशंस का प्लेन है वो मान लीजिए पीआर है हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है इस कैल्साइट क्रिस्टल जो हमने यहाँ पर शो की है उसकी ऑप्टिक एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा ये देखते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ ओ रे वाइब्रेटिंग अलोंग पीओ इज ए साइन थीटा एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ई रे वाइब्रेटिंग अलोंग पी इज ए कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो वाइब्रेशन थी उनका एम्पलीट्यूड ए था जो हमने पीआर से रिप्रेजेंट किया था। नाउ दिस एम्पलीट्यूड विल बी स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पीई, उसका एम्पलीट्यूड होगा ए कॉस थीटा, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट पीओ जिसका एम्पलीट्यूड होगा ए साइन थीटा। तो दो दो कंपोनेंट्स हो गए हैं ए एम्पलीट्यूड के, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। इफ फेज डिफरेंस डेल्टा इज इंट्रोड्यूस्ड by crystal P between O and E component, then O and E components coming out of the crystal P can be expressed as, is introduced दो बार लिखा गया है। तो यहाँ पर students phase difference जो है वो इस crystal ने कितना produce किया है, delta phase difference produce किया है E rays के बीच में और O rays के बीच में, कितना phase difference यहाँ से लेके यहाँ तक का जो angle है वो delta है। ये phase difference क्यों produce हुआ मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेंगे जिसकी ऑप्टिक एक्सिस क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल है तो दो दो कंपोनेंट में यह स्प्लिट होगी, यहाँ डबल रिफ्रैक्शन होगा, एक होगा ई कंपोनेंट एक होगा ई ओ कंपोनेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे बट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेंगे, इसलिए इनके बीच में पावर डिफरेंस आएगा, पावर डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस भी आएगा, वो फेज डिफरेंस हमने डेल्टा लिया है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप डबल रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक मीन्स डबल रिफ्रैक्शन वाली वीडियो जो मैंने डाली थी यूट्यूब पे, निकोल प्रिज्म वाली वीडियो और हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन वाली वीडियोस के दोनों पार्ट्स पार्ट वन एंड पार्ट टू देख के ही इस टॉपिक पे आइएगा, ताकि आपको टॉपिक की ए टू जेड पूरा सारा का सारा लॉजिक इस टॉपिक का आपको समझ आ जाए। ये सारी चीजें मैं वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही चीजें यहाँ बार बार रिपीट हो रही है। अब डिफरेंस क्या आएगा, जो ओ एंड ई कॉम्पोनेंट में जो फेस प्रोड्यूस फेस डिफरेंस आ रहा है डेल्टा, यहाँ पर ये चीज ऐड हुई है यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर। बाकी सारी चीजें मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, उन तीनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स ओ एंड ई कॉम्पोनेंट्स हैं, उनके बीच में डेल्टा फेस डिफरेंस है। अब किसी भी वेव को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो स्टूडेंट्स हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे ओ रे को, ओ रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइए वो देखते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए जो ओ रे की डिस्प्लेसमेंट है वो वाई है, जो ई वेव्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है। तो ओ रे की डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन ओ रे को रिप्रेजेंट कर रही है, ओ रे की डिस्प्लेसमेंट हमने वाई ले ली, ये है ए एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड कितना ओ रे का, ध्यान से देखिए ए साइन थीटा। तो इस इक्वेशन में हम स्मॉल ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ए साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर हमने स्मॉल ए को ए साइन थीटा से लिख दिया और साथ में साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी हमने एज इट इज लिख दिया, ये है ओ रे के लिए वेव इक्वेशन। इसी तरह से हम ई रे के लिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे, ई रे का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम डिफरेंट लेंगे, यहाँ पर एक्स ले लिया हमने वाई की जगह और ए की जगह स्मॉल ए की जगह हम लेंगे ई रेस का एम्पलीट्यूड वो कितना है ए कॉस थीटा। तो इस स्मॉल ए की जगह हम लिखेंगे ए कॉस थीटा, उसके बाद साइन ऐसे देगा ओमेगा टी ऐसे देगा, क्योंकि ओ रे एंड ई रे के बीच में फेज डिफरेंस है डेल्टा का, तो यहाँ पर हमें प्लस डेल्टा भी एड करना पड़ेगा, डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ओ रे एंड ई रे। तो ये दो स्टूडेंट्स इक्वेशन बन चुकी हैं, इसी इक्वेशन को यूज करके हम इस टॉपिक की जनरल इक्वेशन बनाएंगे और उसी इक्वेशन को यूज करके हम देखेंगे कि कैसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन करेंगे, कैसे हम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन करेंगे और कैसे हम इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन करेंगे, ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आप थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे। देखिए स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन निकाली थी जो कि थी y = a sin थीटा sin ओमेगा टी
और टी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब हमने क्या करना है, इस ए साइन थीटा को लेना है हमने बी और ए कॉस थीटा को लेना है हम ए, जिसको हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन नाम दे दिया। ए कॉस थीटा को ए पुट करना है, ए साइन थीटा को बी पुट करना है यूजिंग थ्री एंड फोर इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या होगा, वाई का वाई आ जाएगा हमारे पास, ए साइन थीटा की जगह हमने लिखना है बी, तो यहाँ हमने बी लिख दिया, साइन ओमेगा टी हमारा ऐसे ही रहेगा। इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर फाइव। इसी तरह से एक्स का एक्स ऐसे रहेगा, इस ए कॉस थीटा की जगह हमने ए लिख दिया और साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सिक्स। साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा हमने ऐसे कैसे उठा लिया, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सिक्स। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फाइव से देखिए, फाइव से हमने वैल्यू निकालनी है साइन ओमेगा टी की। साइन ओमेगा टी क्या वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकल जाएगी वाई अपॉन बी, बी जो है वाई के डिनोमिनेटर में चले जाएगा, वाई अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेवन। साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकल गई, अब हमें कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है रिलेशन ये वाला। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर एट। साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ चुकी है y upon b, अब हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो y upon b है उसको हम एट्थ इक्वेशन में डालेंगे यूजिंग सेवन इन एट्थ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू थी y upon b, तो y upon b लिख दिया, साथ में स्क्वेयर है तो हम यहाँ पर स्क्वेयर भी लगाएंगे। इक्वेशन नंबर नाइन आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर सिक्स में ये जो साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिखा हुआ है इसको हम साइन ए प्लस बी समझ के एक्सपेंड करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, इस ए को पहले हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, इक्वेशन नंबर सिक्स को यूज कर रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर सिक्स। इस ए को नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन ए इक्वल टू में साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा इक्वल टू में साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। उसके बाद हमने यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, बहुत बार यूज करते हो आप मैथ्स में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए हमारा ओमेगा टी है, बी हमारा डेल्टा है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 10। अब हमारे पास क्या क्या है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर साइन ओमेगा टी है यहाँ पर और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकल चुकी है, कॉस ओमेगा टी की भी वैल्यू निकल चुकी है, जो कि निकली थी हमारी कौन कौन सी इक्वेशन में, सेवंथ इक्वेशन में साइन ओमेगा टी की वैल्यू थी वाई अपॉन बी और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू थी नाइन्थ इक्वेशन में जो कि थी स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो हमने यूज करना है सेवंथ और नाइन्थ इक्वेशन को टेंथ इक्वेशन में। तो स्टूडेंट देखिए टेंथ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एक्स अपॉन ए वो ऐसी रहेगी इक्वल टू साइन ओमेगा टी की वैल्यू वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा ऐसी रहेगा प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू वन माइनस y upon b का होल स्क्वायर था तो हमने y स्क्वायर बाय b स्क्वायर लिख दिया इसको, साइन डेल्टा ऐसे रहेगा। उसके बाद क्या करना है, y upon b cos डेल्टा को इस साइड ले आना है, माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू में ये एज इट इज रहेगा। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 11। इसके बाद आप क्या लिख के आएंगे थ्योरी के अंदर और कैसे जनरल इक्वेशन बनाएंगे ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट देखते हैं थ्योरी में आप और क्या ऐड करके आएंगे। देखिए स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में हमने ये इक्वेशन बना ली थी और उसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 11 को स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाना है और यहाँ ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। वो हमने क्या काम अगले स्टेप में, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट में आपने सिंपल काम करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा वन माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और साइन डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा। और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बाय ए का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस टू इंटू एक्स बाय ए इंटू वाई बाय बी कॉस डेल्टा। तो सिंपल डेंटी लगा दी है माइनस बी का होल स्क्वायर की तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर डेल्टा को वन से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा। उसके बाद साइन स्क्वायर डेल्टा को वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना जो कि आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। उसके बाद ये जो टर्म है माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा और ये जो टर्म है वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, इनको कंबाइन करना है। मीन्स इस टर्म को राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है और यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन ले लेना है तो कॉस स्क्वायर डेल्टा ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर आके माइनस टू एक्स वाई ए बी कॉस डेल्टा इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा ऐसे ही बचेगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा वन होता है तो आपको क्या मिलेगा, फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई ए बी कॉस डेल्टा इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, बहुत ही सिंपली ड्राइव होगी है। ये है आपकी जनरल इक्वेशन जिसको हम स्पेशल केसेस में यूज करके तीन प्रकार की लाइट प्रोड्यूस करवाएंगे। एक होगी लिनियरली पोलराइज लाइट जिसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, दूसरी होगी सर्कुलरली पोलराइज लाइट और तीसरी होगी इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। वो स्पेशल केसेस डिस्कस करने के बाद आपका टॉपिक खत्म होगा। तो स्टूडेंट ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इस टॉपिक के स्पेशल केसेस, जिससे आपको यूज करके प्लेन पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट और इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट मिलेगी। स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने ये इक्वेशन निकाली थी जो कि थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई ए बी कॉस डेल्टा इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर डबल स्टार। पहला स्पेशल केस क्या लेंगे हम, जो हमने निकोल प्रिज्म के आगे कैल्साइट क्रिस्टल की एक प्लेट लगाई थी, मीन्स ये कैल्साइट क्रिस्टल रखा था, अगर उसकी थिकनेस हम ऐसी लें कि ओ और ई कंपोनेंट्स के बीच में वो जो कैल्साइट क्रिस्टल की प्लेट है वो कितना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टू पाई जितना हमारे पास फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करे ओ एंड ई कंपोनेंट्स में, मींस पहले केस में हमने डेल्टा की वैल्यू कितनी लेनी है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टू पाई लेनी है, यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो जीरो वन टू थ्री हो सकती है, मतलब डेल्टा आपने फर्स्ट केस में इक्वल टू लेना है एन इंटू टू पाई। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कॉस टू पाई, कॉस 4 पाई, cos 6 पाई जो होता है हमारे पास उसकी वैल्यूज 1 होती है, और sin 2 पाई, sin 4 पाई, sin 6 पाई जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर cos डेल्टा जो है वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर यहाँ पर आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई लेते हैं डेल्टा को, और sin डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर आप इंटीग्रल मल्टीपल लेते हैं डेल्टा को 2 पाई का, तो cos डेल्टा 1 हो जाएगा और sin डेल्टा 0 हो जाएगा अगर डेल्टा की वैल्यू n * 2 पाई है। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे आप इसमें, फर्स्ट केस में when the thickness of the plate is such that the phase difference introduced by it in E and O components is integral multiple of 2 pi, that is delta equal to n into 2 pi where n is 0, 1, 2, 3 and so on, then cos delta will be 1 and sin delta will be 0. तो जहां ये cos delta लिखा है वहां 1 put कर दो, जहां sin delta लिखा है वहां 0 put कर दो, तो ये equation क्या बन जाएगी, x square by a square plus y square by b square minus 2xy अपॉन ए बी इंटू वन इक्वल टू जीरो बन जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दी है। तो स्टूडेंट्स ये किसका होल स्क्वायर है, ये है एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, स्क्वायर जीरो के ऊपर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, और इसको सॉल्व करके यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली है, वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बी अपॉन ए इंटू एक्स। स्टूडेंट्स एक फोर्थ और थर्ड इक्वेशन थी पिछले सेक्शंस में, अगर आप फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करते हो मीन बी की वैल्यू हमने ली थी ए साइन थीटा और ए की वैल्यू ली थी ए कॉस थीटा, अगर बी को ए से डिवाइड करते हो तो बी अपॉन ए की वैल्यू टेन थीटा निकल के आती है, इसको हमने स्टार इक्वेशन दे दिया, ये फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करके आई है स्टार इक्वेशन, तो बी अपॉन ए की जगह टेन थीटा पुट कर दो तो वाई इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स। स्टूडेंट्स वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, मींस एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इसका स्लोप है टेन थीटा, मींस इस केस में आपको जो इमर्जेंट लाइट मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन में मिलेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी आपको इस तरह से। तो आपने ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन शो कर दी है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, जो आपको कैल्साइट प्लेट के बाद में आपको जो लाइट देखने को मिलेगी वो प्लेन पोलराइज लाइट देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये था पहला स्पेशल केस, और डायग्राम इसमें आप क्या बनाएंगे, इसमें एक कैल्साइट क्रिस्टल की एक प्लेट लेंगे और उसमें एक स्ट्रेट लाइन शो कर देंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, और ऊपर आप डेल्टा लिख देंगे एन डॉट टू पाई मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टू पाई। तो स्टूडेंट ये है फर्स्ट केस का डायग्राम, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में सेकेंड केस जिसमें हम प्रोड्यूस करवाएंगे सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। तो स्टूडेंट देखते हैं आप स्पेशल केस नंबर टू, when the thickness of the plate is such that the phase difference introduced by it in O and E components is odd multiple of pi by 2, that is delta equal to 2n plus 1 into pi by 2 where n is 0, 1, 2, 3 and so on. अगर आपने कैल्साइट क्रिस्टल की थिकनेस इतनी ले ली कि वो ओ एंड ई कंपोनेंट्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, मींस जनरल फॉर्म में हम डेल्टा की वैल्यू लेंगे 2n plus 1 पाई बाय 2, अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां सॉल्व करके पाई बाय 2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, मींस ऑड मल्टीपल आ रहा है पाई बाय 2 का। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं cos पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2, cos 5 pi by 2 and so on, mean जितने भी odd multiple होते हैं pi by 2 के cos के वो सारे 0 होते हैं, और sin के odd multiple of pi by 2 जो होते हैं वो 1 होते हैं। तो यहाँ पर अब हमने cos delta की जगह 0 put करना है और sin delta की जगह 1 put करना है, तो अगर cos delta की जगह 0 put कर देंगे और sin delta की जगह 1 put कर देंगे तो सॉल्व करके इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ये टर्म जीरो जाएगी पूरी की पूरी इक्वल टू वन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आ गया, इसके भी फर्दर दो केसेस बनेंगे, पहला केस क्या बनेगा जब ए और बी की वैल्यूज इक्वल हो, तो उस केस में हम बी की जगह यहाँ ए पुट कर देंगे, सॉल्व करके इसको क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट किसके इक्वेशन है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका ओरिजिन जो है वो जीरो जीरो है और रेडियस कितनी है इसकी, ए है। इस केस में आपको सर्कुलरली पोलराइज लाइट देखने को मिलेगी और डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे कैल्साइट क्रिस्टल की प्लेट के अंदर, तो ए इक्वल टू बी लिख देंगे यहाँ पर आप, और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे अच्छा सा जिसमें आपको ए और बी मीन ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस जो है वो बराबर रखनी है। सेकंड केस में आप करेंगे जब बी नॉट इक्वल टू ए होगा, तो उस केस में स्टूडेंट्स एज इट इज ये वाली इक्वेशन आप उठा के यहाँ लिख देंगे। और ये स्टूडेंट्स आपको पता है ये किसकी इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। इस केस में आपकी जो इमर्जेंट लाइट होगी वो इलिप्टिकली पोलराइज होगी और आपने इस कैल्साइट क्रिस्टल की प्लेट के अंदर एक इलिप्स ड्रॉ कर देना है और ए नॉट इक्वल टू बी लिख देना है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप निकोल प्रिज्म और कैल्साइट क्रिस्टल की कॉम्बिनेशन को यूज करके प्लेन पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट बहुत ही आसानी से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो आपको 6 और 8 मार्क्स में आएगा, अगर आप यहाँ तक सारा लिखा आते हैं जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।